देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाने वाली भारत की संसद पर 13 दिसंबर के ही दिन जैश मोहम्मद के आतंकियों ने हमला कर दिया था। लश्करी तैयबा और जैश मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया। बुधवार को संसद पर हमले की 22वीं बरसी है। संसद हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से अचानक लोकसभा सांसदों की सीट पर कूद गए। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सांसदों ने इस घटना को डरावना बताया। ठीक 22 साल बाद उसी तरह की दहशत दिखाई दी। 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया था। लश्करी तैयबा और जैश मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और एक माली शामिल थे। वहीं हमले को अंजाम देने आए आतंकियों को घेर कर दिया गया था। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सांसद सदन में मौजूद थे। किसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट में सिर्फ संसद को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। सुबह 11:28 पर हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत के सुरक्षाकर्मी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक सफेद अंबेसकार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ आती दिखाई दी। अमूमन संसद में आने वाली गाड़ियों की रफ्तार से इस गाड़ी की गति बहुत तेज थी। इस गाड़ी के पीछे लोकसभा परिसर के रखवाले सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव पीछे भागते नजर आए। वो गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा कर रहे थे। उपराष्ट्रपति का इंतजार कर रहे सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव को बेतहाशा भागते देख चुके और उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसमें एसआई जीतराम, एसआई नानक चंद और एसआई श्याम सिंह भी अंबेसकार की ओर भागे। सुरक्षाकर्मियों को तेजी से अपनी ओर आता देख अंबेसकार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 111 के पास ही उपराष्ट्रपति की कार खड़ी थी। गाड़ी की गति इतनी तेज थी और मोड़ आने की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधी उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है। अब तक संसद परिसर में किसी अनहोनी की खबर फैल चुकी थी। गाड़ी के पीछे दौड़ रही सुरक्षाकर्मी अभी उस पहुंच नहीं पाए थे कि अंबेसकर के चारों दरवाजे एक साथ खुले और गाड़ी में बैठे 5 आतंकी पलट झपकते ही बाहर निकले और चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी है। 5 के हाथों में AK-47 थी। 5 की पीठ और कंधे पर बैग थे। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने हुए 4 सुरक्षाकर्मी जो अंबेसकर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। परिसर के अंदर और बाहर अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। हर कोई बचने के लिए कोने तलाश रहा था। गेट नंबर 11 की तरफ से अभी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा आ रही थी। 5 आतंकवादी अभी अंबेसकर के ही आसपास ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन की सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। सुरक्षाकर्मियों को डर था कि कहीं आतंकी भवन के अंदर न पहुंच जाएं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। भवन के अंदर आने जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से अपनी अपनी पोजीशन बनाकर गए और गोलियों के बीच पूरा लोहा लेने में जो चाहते हैं कि तभी 5 आतंकी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ जाता है जबकि बचे हुए 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। 4 आतंकी अभी जिंदा थे। न सिर्फ जिंदा थे बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। आतंकी के कंधे और हाथों में मौजूद बैग बता रहे थे कि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था। चारों आतंकी परिसर में इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी और चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अभी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 के पास एक और आतंकवादी सुरक्षाकर्मी की गोलियों से घेर में जाता है। 3 आतंकी अभी भी जिंदा थे। तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएंगे। शायद इसलिए पूरी तैयारी से आए थे। उनके शरीर पर बम लगा था जो रोड का एक बटन दबाते ही उन्हें और उनके आसपास के मीटर तक को निस्तंभ करने के लिए काफी था। लिहाजा अब सदन के अंदर जाने की एक और आखिरी कोशिश करने में जुटे हुए थे और गोलियां बरसाते हुए गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। मगर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। परिसर में मौजूद पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए आतंकी गेट नंबर 9 तक पहुंच चुके थे। सुरक्षाकर्मियों ने अब उन्हें गेट नंबर 9 के पास पूरी तरह से घेर लिया। आतंकी सुरक्षाकर्मियों पर हथौड़े फेंक रहे थे लेकिन मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने तीनों आतंकी को घेर कर दिया। पूरे ऑपरेशन में 40 मिनट का समय लगा।